YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हम सैटरडे या संडे को लाते हैं कि जो मार्केट का ब्रॉडर व्यू क्या है, निफ्टी हमारा क्या कह रहा है, सेंसेक्स क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी जूनियर मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या कर रहा है, डॉ जोंस क्या कर रहा है, गोल्ड में क्या हालचाल है, यूएस डॉलर और आईएनआर के वर्सेस क्या हो रहा है, मतलब यूएस डॉलर रुपया के वर्सेस मजबूत हो रहा है या वीक हो रहा है, क्रूड ऑयल का क्या हालचाल है। तो इस तरह का जो ब्रॉडर सिनेरियो होता है मार्केट का, उसको हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी में यहाँ लगातार कंटिन्यूस गिरावट हो रहा है। वन डे, टू डे, थ्री डे, फोर डे, फाइव डे, सिक्स डे, सेवन डे, एट डे, नाइन्थ डे, तो ये लगातार नाइन्थ डे था जिसमें कंटिन्यूस रूप से गिरावट देखने मिला। सिर्फ एक दिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया था, ओवरऑल हमेशा रेड कैंडल बनाया है। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें निफ्टी जो है वो लगातार मतलब बेरिश मोड में है, लेकिन ये बेरिश कभी भी बुलिश हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे जो डॉ जोंस का अभी जो चार्ट बना है उसके हिसाब से। यहाँ पर देखिए, जो हम सपोर्ट निकल के आया था, पहले भी डिस्कस किया था, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 17,300 के आसपास का रेंज, या यहाँ पे भी ये सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट एक रीजन होता है, जो रीजन 600 से शुरू होता है, नीचे 280 तक में कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है। अगर 280 को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना अभी काफ़ी कम है। लेकिन जिस तरह से गिर रहा है, लगातार कई सारे स्टॉक्स 20% 30% क्रैश हो चुके हैं। तो अभी हम निफ्टी में जो है, मतलब हमारा जो मार्केट का सबसे मुख्य इंडेक्स है, उसमें हम बुलिश अभी नहीं हो सकते हैं। जब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होने के बाद एक रेंज बनाए, ऊपर का एक रेंज बनाए और एक नीचे का, जैसे उस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर हम बुलिश या बेरिश होंगे। जैसा कि रेंज यहाँ पर हमें देखने मिला था 15,960 का ये अपर रेंज था और नीचे सपोर्ट रेंज भी था। यहाँ पर हमें 2,500 से ज्यादा का रैली देखने मिला। उसी तरह से एक रेंज बनाएगा तो हम रेंज बनाने का वेट करेंगे, फिर उस रेंज को अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम बेरिश होंगे, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बहुत सारे स्टॉक में अभी जो है शॉर्ट करने का आपको मौका मिल रहा है, आप शॉर्ट कर सकते हैं। कई सारे स्टॉक्स अभी भी हैं जो कि बुलिश है, मतलब मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बाद, 1,000 पॉइंट्स का गिरावट के बावजूद कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें ब्रेकआउट हुआ और वो अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो बस ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक के साथ रहे, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है तो वो पहले से बुलिश है और ज़्यादा वहाँ पर रैली आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद है हमारा डॉ जोंस। देखिए, डॉ जोंस इसमें काफ़ी गजब का यहाँ पर स्ट्रांगनेस देखने मिला है, जबकि हमारा निफ्टी लगातार वीक है। यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रांग है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर साइडवेज है। यहाँ पर देखिए एक दिन यहाँ पर रेड कैंडल बना जो कि बेरिश होने का संकेत दिया, लेकिन दूसरे ही दिन दो लगातार यहाँ पर ग्रीन इनसाइड कैंडल बना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो हमें फिर गजब का तेजी देखने मिलेगा। अगर हम बेरिश होने की बात करें तो जब तक हम यहाँ पर सपोर्ट को नहीं ब्रेक करते हैं जो कि है 33,735, इसको जब तक ना ब्रेक करें तब तक हम इसमें बेरिश नहीं हो सकते हैं। तो बुलिश इसके ऊपर निकलते हैं तो बुलिश रहेंगे और इसके नीचे निकलते हैं तो फिर भी हम बेरिश ही बेरिश रहेंगे। फिर उसके बाद है हमारा जो है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स जो है बात करें तो सेंसेक्स में भी वही हाल है जो कि निफ्टी का है। अगर यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि 62,235, इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे, और अगर हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं 59,000 को तो फिर हम इसमें बेरिश हो जाएंगे। तो यहाँ बुलिश और बेरिश अलग अलग लेवल पर डिपेंड है, जिस तरह से निफ्टी पे। फिर उसके बाद है हमारा निफ्टी जूनियर, जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं। देखिए निफ्टी में तो कुछ कम गिरावट हुआ, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 काफ़ी गिरा, लेकिन पिछले दिन इसमें यहाँ पर तेजी भी देखने मिला। देखिए टॉप 50 जो है उसका इंडेक्स काफ़ी मतलब वीक दिखा पिछले दिन, लेकिन इसमें यहाँ पर देखिए रिजेक्शन है, मतलब यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ देखने मिला, नीचे से रिजेक्शन मिला, मतलब जो कि इसके यहाँ पर सपोर्ट की संभावना व्यक्त कर रहा है। तो लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 41,300 को तो फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन पिछले तीन दिनों से एक सप्ताह से ज़्यादा से लगातार नाइन्थ डे था निफ्टी में गिरावट देखने मिला, लेकिन बैंक मात्र
पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बेरिश है, तो बैंक में अभी और ज्यादा यहाँ पर गिरावट की संभावना हो सकती है। उसके बाद अगला है बिटकॉइन। देखिए बिटकॉइन जो है ये काफी यहाँ से स्ट्रांग है और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज देखने मिला। देखिए यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो आप अलग अलग पैटर्न देखेंगे। ये देखिए पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको बनाता हुआ देखने मिलेगा इस तरह से। देखिए पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये इसका पोल हो गया और ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो काफी बेहतरीन रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये पोल था, फिर यहाँ पर एक फ्लैग बनाया और ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया। तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो कि आपको राइजिंग वेज पैटर्न हो गया, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, डब्लू पैटर्न। एक हम पैटर्न लेते हैं डब्लू पैटर्न, जैसे कहीं पर आपको डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो धीरे धीरे हम उनका भी चर्चा करेंगे जो अलग अलग तरह का पैटर्न होता है जिसको देख करके आप यहाँ पर बेरिश और बुलिश का पता लगा सकते हैं टेक्नोलाइसिस की मदद से, सिर्फ मतलब प्राइस एक्शन की मदद से। तो यहाँ पर फिर देखते हैं गोल्ड, काफी इंपॉर्टेंट ये कमोडिटी है जिसको ट्रैक करना आपको भी चाहिए। देखिए गोल्ड यहाँ पर हमने बात किया था कि अगर किसी को बाय करना है तो यहाँ पर जब 45,635 के पास था तो यही आप बाय कर सकते थे। यहाँ से काफी अच्छा गोल्ड यहाँ पर तेजी दिखाया, लगभग 2000 के आसपास तक का ये रैली दिखा। 2000 में अभी कभी काफी कम है, 400 कम, मतलब 1600 तक का रैली यहाँ पर मिल चुका है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया गोल्ड को काफी अच्छा रिटर्न मिला। तो जब भी गिरावट मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। कभी भी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है या ये सपोर्ट लाइन जो 46,800 है इसके आसपास आता है तो फिर आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूएस डॉलर, INR, मतलब रुपया के वर्सेस जो डॉलर है। तो यहाँ पर देखिए रुपया के कंपेरिजन में डॉलर जो है यहाँ पर काफी मतलब स्ट्रांग हुआ था। एक रुपया के का मतलब एक डॉलर जो है 75 रुपीज से भी ज्यादा हो चुका था। फिर यहाँ पर रुपया में काफी गिरावट देखने मिला, मतलब रुपया काफी वीक हुआ है। तो रुपया लगातार देख सकते हैं यहाँ पर वीक होता जा रहा है और ये भी एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। देखिए ये पोल हो गया, इसका ये फ्लैग हो गया, तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो काफी जबरदस्ती या तो तेजी देखने मिलेगा या नीचे की ओर ब्रेक करता है तो फिर हमें गिरावट देखने मिलेगा। उसके बाद आते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जिस तरह से गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेक करना, उसी तरह से क्रूड ऑयल को भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्रूड ऑयल यहाँ पर देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो क्रूड ऑयल काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखते हैं। यह मतलब जो प्राइस एक्शन है वो बता रहा है अभी भी ये काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करा और ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। जब तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें बेरिश नहीं होंगे। और ये यहाँ पर जो है अपना ऑल टाइम हाई के आसपास है जो कि है 6415, इसके आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो वहां से मात्र यहाँ पर कुछ ही पॉइंट का गिरावट हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज है, साइडवेज होने के बाद एक रेंज बनाता है। रेंज को अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है 6000 को ब्रेक करेगा तो बेरिश हो जाएंगे। अगर ऊपर 6420 को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। तो क्रूड ऑयल अभी साइडवेज है लेकिन अपने ऑल टाइम हाई पे है। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है ग्लोबल मार्केट में काफी हाई है अभी। उसके बाद जो है निफ्टी मिड कैप, निफ्टी जूनियर, इन सब इंडेक्स को देख लेते हैं। तो हम चलेंगे नीचे। अभी के यहाँ पर जो निफ्टी मिड कैप है इसमें भी काफी गिरावट था लेकिन अभी थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग देखने मिला है। फिर निफ्टी स्मॉल कैप, इसमें तो काफी ज्यादा गिरावट और ये पहले से ही देख सकते हैं ये वीक हो चुका था। यहाँ से एक बार अप साइकिल एक बार डाउन साइकिल भी आ चुका था। तो स्मॉल कैप में काफी जबरदस्त गिरावट देखने मिला। पिछले दिन थोड़ा सा यहाँ पर रिकवरी देखने मिला, मतलब सपोर्ट लेता हुआ ये देखने मिला। देखिए यहाँ पर जो आईटी सेक्टर है ये भी अभी साइडवेज है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास ही है। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर आईटी सेक्टर से वो बेरिश हो जाएगा। जो सेक्टर बेरिश हो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो सेक्टर स्ट्रांग हो उसमें आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो आईटी सेक्टर यहाँ से अगर नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो ये बेरिश हो जाएगा क्योंकि यही इसका सपोर्ट रीजन था, मतलब सपोर्ट लेवल था जो कि 34,500 के था। तो यहाँ पर 500 को ब्रेक कर चुका है, अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है और अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आईटी सेक्टर बेरिश हो जाएगा। फिर उसके बाद है कंज्यूमर सेक्टर, ये भी काफी वीक है। और फिर यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर, ये तो काफी पहले से ही वीक है क्योंकि HUL जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर वो काफी मतलब वीक देखने मिला है। फिर यहाँ पर देखिए सर्विस सेक्टर भी वीक देखने मिल रहा है लेकिन अभी उतना वीक नहीं हुआ है जितना कि फार्मा सेक्टर। देखिए फार्मा सेक्टर काफी यहाँ पर वीक है। तो फार्मा सेक्टर पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पर साइड पेज हो चुका है, तो फार्मा सेक्टर में आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो फार्मा सेक्टर जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उसको शॉर्ट कर सकते हैं कि इसमें काफी वीकनेस देखने मिला है। फाइनेंस सेक्टर, यहाँ से फाइनेंस सेक्टर अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन को मिलाएंगे तो फाइनेंस सेक्टर अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनेंस सेक्टर में अभी आपको शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए।
अभी भी फाइनेंस सेक्टर का जो है अभी भी बेरिश नहीं हुआ है, तो यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। फिर यहाँ पर ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर भी अभी वीक नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये एक जो रैली है, इस रैली का यहाँ पर मतलब एक करेक्शन हो रहा है। जो यहाँ से रैली था काफ़ी बड़ा रैली था, जो 9,750 से शुरू हुआ था और 12,000 तक गया था, तो इसका एक करेक्शन हो सकता है। साथ साथ जब मार्केट में गिरावट है तो उसके साथ ये इसमें गिरावट हो रहा है। अब उसके बाद मेटा सेक्टर भी यहाँ पर वीक है, देखिए साइडवेज हो चुका था मेटा सेक्टर पूरी तरह से। मेटा सेक्टर के स्टॉक कब शॉर्ट कर सकते हैं जिसमें वीकनेस देखने मिले। एनर्जी सेक्टर काफ़ी बुलिश है, तो ये एक करेक्शन हो सकता है। जो सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चार्ट पे, तो उसमें जो गिरावट है वो एक करेक्शन हो सकता है, हम उसको वीक नहीं कह सकते। तो जो सेक्टर पहले से वीक है वो मार्केट के साथ गिरेगा। मीडिया सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मीडिया सेक्टर का सारे स्टॉक पे आप देखिएगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर देखिए जो मार्केट के साथ थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं वो धमाल मचा सकते हैं। फिर यहाँ पर रियल्टी सेक्टर, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो देखिए मार्केट साथ कुछ ही गिरावट हुआ है, अभी भी जब तक ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है जो कि 485, तब तक हम इस सेक्टर में बेरिश नहीं हो सकते। उसके बाद अगला है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने मिला है, ये थोड़ा सा यहाँ पर गिरा है, जो कि मतलब इसके रैली की तुलना में बात करें तो ये लगभग 50% के आसपास इसमें गिरावट भी हुआ है। फिर कमोडिटी सेक्टर, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो देखिए पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सब स्ट्रॉन्ग है। तो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उसको आप अभी शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चार्ट पे, ये मार्केट के साथ कहें या एक जबरदस्त रैली के बाद ये एक करेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कौन से सेक्टर में आपको शॉर्ट जाना चाहिए, कौन से सेक्टर में आपको लॉन्ग जाना चाहिए, जो सेक्टर चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जैसे फाइनेंस सेक्टर, आप उसमें लॉन्ग जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सारे चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट सेक्टर, और जो वीक है फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर वीक हो रहा है, उसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो जो सेक्टर वीक है उसको शॉर्ट, जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है आप उसके साथ लॉन्ग हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। तो इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए आगे भी वीडियो हम लाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।